हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल आउटिंग विद आशीष में। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों, कि जो मेरा लास्ट वीडियो था ओहू कैंपिंग स्टोव का, उसको मैं टू बी कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, पर वो किसी कारणवश आगे का वीडियो शूट नहीं हुआ और मुझे मजबूरी में उसे टू बी कंटिन्यू करना पड़ा। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और ये मौका मुझे फिर से मिला कि मैं उसी को कंटिन्यू करूं। तो आज हम इस ओहू वुड फायर गैसीफायर स्टोव को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आज वुड पैलेट्स के द्वारा हम इसको जलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वुड पैलेट्स के द्वारा ये बहुत आसानी से जलता है और 40 से 45 मिनट तक ये हमको बहुत अच्छे से फ्लेम देता है। और उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटे तक इसकी जो हीट है वो बनी रहती है। तो मैंने सोचा कि जब वीडियो नया शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना एक कंप्लीट लंच बनाया जाए सोलो पर्सन के लिए। तो आज का जो हमारा मेनू रहेगा दोस्तों, वो रहेगा सुहाना का चिकन टिक्का मसाला। ये ग्रेवी के रूप में बनाएंगे हम, और उसके साथ हम राइस बनाएंगे, है ना। 1 कप राइस है। और बिना फ्यूल को ऐड किए, बिना वुड पैलेट्स को ऐड किए, हम एक ही बार में आज की कुकिंग को अंजाम देंगे। और ये आज के लिए हमारा चैलेंज रहेगा। सॉरी दोस्तों, मैं आजू बाजू इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आजू बाजू बंदर आ गए और मेरा वुड पैलेट्स का पन्नी उठाकर भाग गया था, फाड़ दिया है मैं उससे छींट कर लेके आया हूँ है ना। तो इसलिए थोड़ा आजू बाजू देखना पड़ रहा है। सोलो कैंपिंग में सराउंडिंग को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वुड फायर स्टोव गैसीफायर स्टोव ओहू को प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो चैलेंज है कि कंप्लीट जो लंच है हमारा वो बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, ये हमारा वुड गैसीफायर स्टोव तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको हम लकड़ी से भी जला सकते हैं, अल्कोहल स्टोव से भी जला सकते हैं, सॉलिड फ्यूल से भी जला सकते हैं। आज हम इसको सॉलिड फ्यूल से जलाएंगे दोस्तों। जो सॉलिड फ्यूल है वो इस तरीके की आती है ना, और 350-400 रुपये का 5 किलो का पैकेट आता है दोस्तों। और जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम लेंगे उसको, 10 किलो का, 15 किलो का, तो वो और भी सस्ता हमको पड़ता है। और ये सोलो कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा है फ्यूल, हमें ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, लकड़ियाँ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और बहुत महंगा भी नहीं पड़ता दोस्तों। तो आज हम इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही बार भरेंगे। और आज का चैलेंज हम यही हमारा है कि हम इसको एक बार में भर कर, ये सब बंदर ने दोस्तों मेरी पन्नी फाड़ दिया तो इसलिए सब गिर गया थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अभी भी पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है मेरे सिर के ऊपर, और थोड़ा सा ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा, बहुत शैतान होते हैं बस इससे ज़्यादा फ्यूल मैंने लाया भी नहीं है दोस्तों, तो इसलिए चैलेंज को हमें बहुत सलीके से पूरा करना पड़ेगा। इसको भरने का तरीका ये है कि ये जो होल दिख रहे हैं दोस्तों इसके सराउंडिंग में, इसके नीचे तक ही हमें फ्यूल भरना है, क्योंकि अगर हम इन होलों को बंद कर देंगे तो फिर इसका जलने का जो तरीका है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से नीचे से एयर को सक करता है और यहाँ से एयर को बाहर करता है, तो उसी के द्वारा हमको बहुत अच्छी फ्लेम मिलेगी। और इसको जलाने का तरीका ये है दोस्तों कि या तो आप कोई भी इनफ्लेमेबल जेली इसके ऊपर डाल दीजिए और माचिस से आग लगा दीजिए, या फिर ये इस तरीके की वैसलीन कॉटन है, इसको ऐसे 2-3 जगह हम ऐसे रख देते हैं ताकि ये अच्छे से इन वुड्स पैलेट्स को जला सके। और इसको एक बार जलाने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, इसलिए ये स्टोव बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है ना। ये सैनिटाइजर ही है एक तरीके से
इसको इस तरीके से हमने डाल दिए, बस हो गया दोस्तों, है ना। एक माचिस की तीली ये, और ये जल गया दोस्तों। 2 से 3 मिनट के बाद ये अपनी वुड पैलेट्स में आग लगा लेगा और बस इसके बाद हमें इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज हम चिकन टिक्का मसाला मिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, और मेरे जैसे जो कई भाई हैं जो कुकिंग में कमज़ोर हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। इस तरीके का पैकेट आता है, इसके अंदर ये मसाला आता है, और इसको सबसे पहले 1/2 किलो के लिए है दोस्तों, पर अब मैं 1 पाव ही चिकन लाया हूँ और अकेला हूँ तो इसलिए इसको ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैंने चिकन को इस तरीके से मैरिनेट कर लिया है दोस्तों इसी मसाले से, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं है। 2 चम्मच दही डाला है और 2 चम्मच ये मसाला डाला है, और इसे मैरिनेट करके रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें अगर टाइम है तो इसको 1 घंटा 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और बस इसको फ्राई करेंगे। और ये जो मसाला हमारे पास बचा हुआ है इसका पेस्ट बनाएंगे, और बस इसी से हम अपनी ग्रेवी को प्रिपेयर कर लेंगे। कोई टमाटर नहीं काटना है, कोई प्याज नहीं काटना है, कुछ मिर्ची नहीं काटना है। बहुत बढ़िया और शानदार रेसिपी लगी दोस्तों मेरे को, यूट्यूब से ही देखा था, तो आज हम इसको प्रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों बढ़िया आग पकड़ लिया है, ये हमने रख दिया, फ्लेम आने लगी है, और ये अपना फ्राइंग पैन है ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बटर लेकर आया हूँ दोस्तों, राइस को भी हम आज गार्लिक बटर राइस बनाने की कोशिश करेंगे है ना। तो दोस्तों हमारा बटर अच्छे से गर्म हो गया है, मेल्ट हो गया है ना, और स्टोव भी अब अच्छे से जलने लगा है। तो चलिए हम इसमें चिकन डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्टोव जलाने के बाद हवा ज़्यादा चलने लगी है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है दोस्तों, जिसकी वजह से लो इधर उधर जा रही है, तो हीट हमारी डायरेक्ट फ्राइंग पैन पे नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए दोस्तों हम इस तरीके का विंडशील्ड आता है, और इस विंडशील्ड को हम इसके सराउंडिंग में लगा देते हैं ना, इस तरीके से। इसमें एक हुक दिया रहता है, ये हुक को हम इधर ज़मीन में लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों विंडशील्ड लगाते के साथ ही हमारा चिकन आवाज़ करना शुरू कर दिया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जब हम खुले में कुकिंग करें तो। इसकी फ्लेम देखिए अब विंडशील्ड लगाने के बाद इसको पलट देते हैं हम, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। बंदर अभी भी ऊपर बैठा है देख रहा है कुकिंग को, और चिकन हमारा फ्राई हो चुका है ना। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्राई चिकन को निकाल लिया है दोस्तों मैंने, और अब इसमें मैंने तेल डाल दिया है ताकि हम अपने मसाले को इसमें भून सकें। मसाला दोस्तों बहुत शानदार खुशबू आ रही है, इसमें नमक नहीं डालना पड़ता है दोस्तों, सुहाना मसाले में नमक वगैरह सब ऐड रहता है। तो
थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं ताकि हमारा मसाला पक जाए। और विंडशील्ड बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके लिए। मसाले ने बढ़िया तेल छोड़ दिया है दोस्तों, अब बहुत शानदार खुशबू भी आ रही है इसके पहले कि ये जल जाए क्योंकि इसकी फ्लेम को कम नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया है वो डाल देते हैं। आहा, इसको देख के ही भूख लगने लगी दोस्तों। पानी डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि हमें ग्रेवी मिल जाए। और 5 से 10 मिनट दोस्तों इसको एक बॉईल आने के लिए हम ऐसे ही ढक कर छोड़ देते हैं। आहा, स्टोव बढ़िया जल रहा है दोस्तों। हमारा मेन मकसद है ये स्टोव और विंडशील्ड के साथ ये बहुत ज़बरदस्त अपना असर दिखा रहा है। तो दोस्तों जब तक हमारी सब्जी पक रही है हम चावल प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। चावल को धो लेते हैं ताकि जो हमारा चैलेंज है कि बिना फ्यूल ऐड किए हमें अपनी कुकिंग को अंजाम देना है तो उसको हम पूरा कर सकें। तो ये रेडी हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार चिकन टिक्का बन गया है दोस्तों। और अब हम अपने राइस को कुक करने की तैयारी करते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देते हैं। आहा हा हा, अब तो वाकई में भूख लग रही है दोस्तों। हमारा चिकन भी कुक हो चुका है और विंडशील्ड बढ़िया काम कर रही है और स्टोव भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी चिकन टिक्का को नीचे उतार देते हैं और अब राइस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों फ्लेम अभी भी बहुत तेज है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्लेम थोड़ी ख़त्म हो जाए तब हम राइस को लगाएं ताकि इसकी हीट से ही हमारा राइस बहुत बढ़िया कुक हो। लेकिन शायद हमारा चिकन टिक्का बहुत जल्दी बन गया। तो चलिए राइस को शुरू करते हैं ना। और अब जब टाइम बहुत है तो हम गार्लिक बटर राइस बनाएंगे दोस्तों। बहुत जल्दी इसमें उबाल आ गया दोस्तों। विंडशील्ड को हटा देते हैं दोस्तों ताकि इसकी फ्लेम डायरेक्ट अब हमारे पॉट पे ना पड़े। बहुत काम आया दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों हमेशा कि एक नया वीडियो एक नया प्रोडक्ट ताकि आप भी बोर ना हो और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए। तो आज का जो प्रोडक्ट था वो ये विंडशील्ड थी जिसने बहुत साथ दिया और ये सुहाना मसाला कैंपिंग के लिए बहुत शानदार। दोस्तों हमारा राइस प्रिपेयर हो चुका है, इसकी भी बहुत शानदार खुशबू आ रही है, एकदम खिला खिला राइस बना है दोस्तों। तो इसके बाद भी हमारे पास कम से कम अभी 1 घंटा है कि हम इसमें अपनी कुकिंग को अंजाम दे सकते हैं, है ना। तो हमारा चैलेंज आज का जो है दोस्तों वो सफल रहा। तो दोस्तों यह है आज का हमारा सेटअप ना,
जहाँ पे हमने अपनी कुकिंग को अंजाम दिया। ये मेरी स्कूटर दोस्तों, साथ में हेलमेट। हेलमेट का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर हमें आगे भी कैंपिंग को अपनी कंटिन्यू रखना है तो हमेशा ऑलवेज हेलमेट हमारे पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने देखा कि 30 to 40 मिनट्स में हमने अपनी कुकिंग को अंजाम दिया ओहू स्टोव के द्वारा। एक बार वुड पैलेट फिल किए हमने, हार्डली मुश्किल से 300 ग्राम वुड पैलेट हमने यूज़ किए, और उसके बाद भी बहुत सी वुड पैलेट हमारी बच गई और हमको उसे फेंकना पड़ा। और हमारा फूड बिल्कुल रेडी है दोस्तों। ये ओहू स्टोव जिसके द्वारा हमने कुकिंग की, इसको मैंने खाली कर दिया दोस्तों, और ये ठंडा भी हो गया है ना। और पानी की बोतल, हमारा गार्लिक बटर राइस बिल्कुल रेडी है दोस्तों, और सुहाना मसाले के द्वारा बनाया गया चिकन टिक्का है ना, हमारी प्लेट। और साथ में ये हमारे पास दही है। तो चलिए अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारी डिलीशियस थाली तैयार है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई। प्रभु का नाम लेकर टेस्ट करते हैं दोस्तों। एक नंबर, मजा आ गया दोस्तों। क्या है, मैं रेसिपी को यहाँ ट्राई कर लेता हूँ दोस्तों, और उसके बाद फिर घर में बनाने की कोशिश करता हूँ है ना, ताकि अपनी इज्जत थोड़ी बरकरार रहे। बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, और सुहाना मसाला है तो इसमें कोई अपनी तारीफ नहीं है, तारीफ सुहाना मसाले की है। कैंपिंग में बहुत शानदार मसाला है, कुछ नहीं करना है, बस वाई वाई लूटना है और स्वाद का मज़ा लेना है। तक मैं अपने भोजन को एंजॉय करता हूँ और घर जाता हूँ है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और भी इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि जब दोस्तों एक दो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मन में एक इच्छा जागती है कि जाकर एक नया वीडियो बनाओ, और बहुत प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपका कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं।